हाय एवरीवन, और कैसे हो? चलिए मैं आज आप लोग को सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करता हूँ ट्वेल्थ का। अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे समय के साथ। जो हमारा चैप्टर, ये लेक्चर 1, 2, 3, 4 या 5 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूँगा, और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपन को। पिछले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस देखे थे। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर था जिसमें कि हम लोग एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हम लोग सीख लिए थे। इस चैप्टर में हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही बोलते हैं, तो उसमें कैसे होता है, क्या क्या इवेंट्स होता है, इसकी जानकारी हम लोग को मिलेगी। आप आराम से एनसीईआरटी को निकाल करके लेक्चर को देखेंगे, एक एक बात को, एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को आप जो है तरीके से देखेंगे, लेक्चर को बार बार सुनेंगे। मुझे लगता है अगर यदि आप मेरे बताए हुए बातों को आप बिल्कुल सही तरीके से अगर यदि आप करेंगे तो चैप्टर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारा सवाल हम लोग बनाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो सबसे वाइटल ऑर्गन है, जहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का काम होता है, वो कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है प्लांट का, तो वो ऑर्गन है फ्लावर। इस चैप्टर में हम लोग इसको 4 भाग में बांट के पढ़ेंगे। एक फ्लावर का पूरा हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, वैसे फ्लावर का पार्ट्स वगैरह यहाँ भी थोड़ा देखेंगे। और फ्लावर का पार्ट्स, फ्लावर में कौन कौन सा ऑर्गन होता है, कौन कौन सा मेन पार्ट होता है, वो पढ़ेंगे। फिर फ्लावर पढ़ने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर में पाया जाने वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहाँ से बनने वाले गैमेट्स। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गैमेट को ट्रांसफ़र करने वाला काम, दैट इज पोलिनेशन। फिर पोलिनेशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर जो है रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होता है, सीड होता है, तो सीड और फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे कुछ और भी एपोमिक्सिस वगैरह कुछ टर्म है अपने एनसीईआरटी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इधर क्या है हमारा फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फ्लावर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है फ्लावर। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन, ये तो बहुत बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है डबल फर्टिलाइजेशन से क्या होता है हम लोग सीखेंगे। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट्स बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद वही बताया था हमने एपोमिक्सिस और ये पोली एम्ब्रायनी क्या है, ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ चलेगा अपना साथ साथ। देखिए इधर फ्लावर का डिफिनेशन क्या है, बोला जाता है मोस्ट फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ ए एंजियोस्पर्म। ठीक है, करा फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, दे हैव ऑलवेज बीन यूज एज सिम्बॉल। फ्लावर जो है अपने सोसाइटी में सदियों से फ्लावर का अलग अलग मैसेज के रूप में हम लोग यूज करते आए हैं। फ्लावर को हम लोग रिलीजियस कामों में यूज करते हैं, फ्लावर को एज ए लव, एफेक्शन, ग्रीफ,
बहुत सारे इमोशनल एक्टिविटी में भी हम लोग फ्लावर को शामिल करते आए हैं। फ्लावर से हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सेंट्स परफ्यूम वगैरह ये सब हम लोग को फ्लावर से प्राप्त होता है। देख रहे हैं ह्यूमन इम्पॉर्टेंट फीलिंग्स, ह्यूमन का फीलिंग्स है जैसे लव रोज फ्लावर देते हैं हम लोग, अफेक्शन को शो करने वाला। इसके बाद क्या है हैप्पीनेस देते हैं, फूल माला वगैरह पहनाते हैं। ये ग्रीफ एंड मॉर्निंग, कभी कभी जो है जब किसी का डेथ हो जाता है शोक सभा हम लोग आयोजित करते हैं तो उसमें भी फूल का हम लोग यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आपके एनसीईआरटी से डायग्राम लिया गया है, एनसीईआरटी से डायग्राम लिया गया है। मैं एक सिंपल डायग्राम बना करके आप लोग को दिखाता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि हम लोग हर पार्ट को हम लोग जो है 11th क्लास से कोरिलेट करेंगे और कुछ नया बात भी सीखेंगे। ये देखिए डायग्राम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या है, सेप्पल है। क्या है ये सेप्पल, सेप्पल यूनिट होता है। इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके ग्रुप को, कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं। ये क्या है सेप्पल, ये क्या है पेटल, पेटल के ग्रुप को हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ये आर है और ये फिलामेंट स्टैमिन बोलते हैं हम लोग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी ये डायग्राम बनाते हैं हम अलग से भी, आपको ये पता चलेगा क्लियर कर क्या है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब बहुत सारा जो इस तरह का पार्ट है, ये क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है ये सब देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी मैं बना करके दिखाता हूँ अलग से। और ये जो दिख रहा है अपन को, ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। अभी मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अभी देखिए इससे पता चलेगा अपन को। मैं यहाँ जगह छोड़ा हूँ, ये सिंपल सा डायग्राम बना रहे हैं। ये फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट है, ये फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। ये देखिए इसे, ये चले आइए, मैं कलर यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा कलर। ये देखिए ये कलर वाला पोर्शन जो दिख रहा है हमको, ये क्या है कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरोला बोलते हैं। क्या है ये, कोरोला है। इसको कोरोला को कलर कर देते हैं थोड़ा। आप रोज़ फ्लावर देखे होंगे, उसमें जो कलर पार्ट जो दिखता है दैट इज पेटल बोलते हैं। बहुत सारा रहेगा पेटल, और सबको कॉमनली मिला के क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको कॉमनली मिला करके, कैलिक्स बोलते हैं। ये क्या है पेटल। पेटल बोलते हैं। और
इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला, कोरोला फॉर कलर, कलर को आप कोरोला से याद रखेंगे, ठीक है, सी फॉर कलर, सी फॉर कोरोला। तो कलर्ड पोर्शन जो होता है फ्लावर में वो क्या है, कोरोला है। बहुत सारा रहेगा जो छोटा छोटा जो उसका यूनिट है, दैट इज पेटल। और देखिए ये ग्रीन पोर्शन क्या है, ये ग्रीन पोर्शन ये ग्रीन पोर्शन जो नज़र आ रहा है आपको इस तरह से फ्लावर में, ये ग्रीन पोर्शन क्या है, ये इधर से भी होगा, अंदर से भी होगा, बहुत सारा होता है ये, इसको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल बोलते हैं। और इसके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, इसके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं ग्रुप को, क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ये याद रखना। ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोग को, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग एस्टामेन। क्या बोलते हैं, एस्टामेन बोलते हैं, एस्टामेन बोलते हैं। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल, या इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल। हम लोग जो है अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको जिस बेस के ऊपर, क्या है ये पिस्टिल का जो पार्ट है, इसको थाला ओवरी बोलते हैं, ये प्लेस्ट है, इसको बोलते हैं थालामस। क्या बोलते हैं इसको, थालामस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थालामस बोलते हैं, ये याद रखेंगे। और ये जो पोर्शन है, ये क्या है, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। एक एक करके हम लोग पार्ट देखेंगे अलग से। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है हम लोग बोलते हैं, ये पूरा पूरा जो फीमेल वाला पार्ट है गायनोसियम बोलते हैं, फीमेल वाला पार्ट को बोलते हैं गायनोसियम, मेल वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का नंबर एक से अधिक होता है तो इच यूनिट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग स्टामेन। इसी तरह से बहुत सारा, वैसे नॉर्मली एक फ्लावर के अंदर एक ही फीमेल पार्ट होता है, दैट इज कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। अगर एक से अधिक रहा तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए गायनोसियम। तो ग्रुप जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है उसके लिए वर्ड करते हैं गायनोसियम। अगर एक है, सिर्फ एक है एक फ्लावर के अंदर जो नॉर्मली होता है, दैट इज पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। अगर एक फ्लावर में एक कार्पेल है तो बोलते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर। अगर बहुत सारा है तो मल्टी कार्पेलरी फ्लावर बोलते हैं। आगे देखेंगे कार्पेल का कंडीशन होता है। अगर बहुत सारा है, आपस में फ्यूज है, तो बोलते हैं सिनकार्पस। अगर आपस में फ्री है तो बोलते हैं एपोकार्पस। देखेंगे उसका एग्जाम्पल भी हम लोग को पढ़ना है आगे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से देख लीजिए, इस डायग्राम में थोड़ा सा हम आपको असिस्ट करते हैं। देखिए इधर, ये जो इसमें कैलिक्स है, क्या है ये, सेपल का बहुत सारा, यदि कलेक्टिवली यदि ग्रुप में है तो कैलिक्स वर्ड यूज करते हैं, किसी एक को सेपल बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारा पेटल है, रोज फ्लावर में आप देखे होंगे बहुत सारा पेटल है, पंखुड़ी बोलते हैं उसको। आप एक उसमें से निकाल सकते हैं, रोज फ्लावर का इमेजिन कीजिए, एक उसमें से आप वहाँ से पिल आउट कीजिए, तो दैट इज पेटल। फ्रेग्रेंस होता है उसमें, सेंट होता है।
अब बहुत सारा कलेक्टिवली है तो नाम देते हम लोग कोरोला, ये वाला चीज। फ्लावर के बारे में बोला जाता है, फ्लावर क्या है फॉर बायोलॉजिस्ट, इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर ही प्लांट के अंदर वैसा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जगह देता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, ये वाला पार्ट हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, ओवरी बोलते हैं, ओवरी, ओवरी। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एंथर बोलते हैं, क्या है ये, एंथर, एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंथर बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं बोर्ड को बड़ा कर देता हूँ। चलिए, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा। और ये वाला जो है, इसमें क्या है, ये बोलते हैं हम लोग थैलामस बोलते हैं, क्या है ये, थैलामस। थैलामस बोलते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक बात को सीखेंगे। थोड़ा फास्ट करने के चक्कर में क्या होता है, बातें जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है डिलीवर नहीं हो पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर नंबर बढ़ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से सीखिए। देखिए लिखा हुआ, फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स, क्या है ये, एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वेल्स है, एंड क्या प्रोवाइड करता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप याद रखेंगे, क्या प्रोवाइड करता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, आपके एनसीईआरटी का ये दो बात लिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जो फ्लावर को इस तरह से कट करके दिखाया जा रहा है आपको। ये जो पोर्शन आया था इधर, ये जो पोर्शन इधर आया है, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसिल बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ओव्यूल होता है, इसके अंदर वो पढ़ेंगे। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, ये मेल पार्ट है, क्या है ये, मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट का ये वाला एंड देखिए इधर, मेल पार्ट का देखिए, ये है अपना मेल पार्ट, क्या है ये, मेल पार्ट, मैं उसको बाहर निकाल करके थोड़ा सा, ये देखिए ये क्या है, ये है एंथर, क्या बोलते हैं इसको, एंथर बोलते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। और ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट बोलते हैं, ऑफ फिलामेंट। ये पिछले 2 साल पहले नीट में क्वेश्चंस पूछा गया था कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट जो अटैच किससे होता है, एंथर से होता है या फिर
थैलेमस या फिर पेटल्स होता है। तो आंसर क्या जाएगा, थैलेमस या फिर पेटल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर यदि ये पेटल से अटैच रहा तो बोलते हैं ईपी पेटलस कंडीशन। ईपी मतलब ऊपर, पेटल पेटल के ऊपर, या फिर थैलेमस से अटैच रह सकता है प्रोक्सिमल पोर्शन, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं प्रोक्सिमल मतलब पास वाला पोर्शन, फिलामेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। और ये क्या है, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डिस्टल एंड बोलते हैं, डिस्टल एंड बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है क्या कि प्लांट के ऊपर एक्चुअल फ्लावर आने से पहले फ्लावर बनेगा इसका डिसीजन हो चुका रहता है। कह रहा है फ्लावरिंग, एक्चुअल फ्लावर आने से पहले प्लांट में फ्लावर का डिसीजन क्या होता है, हो चुका रहता है। कह रहा है मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। और इस फ्लावरिंग के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो क्या होता है, हॉर्मोनल चेंज होता है, हॉर्मोन्स होता है एंड स्ट्रक्चरल चेंज होता है प्लांट के अंदर। प्लांट हम लोग पढ़े थे तीन फेज होता है लाइफ में, एक था कौन सा, जुबेनाइल फेज, पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे जुबेनाइल फेज, दूसरा क्या था रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा सेनेसेंस फेज। तो जुबेनाइल फेज जो जो प्लांट ग्रोथ करता है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, मैच्योर हुआ मतलब क्या हुआ, प्लांट में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये फ्लावरिंग होने से पहले जो चेंजेज आता है जिसके वजह से फ्लावर बनता है प्लांट में, ड्यू टू हॉर्मोन्स और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से क्या होता है, प्लांट में फ्लावर लगता है। और प्लांट में फ्लावर का आना इंडिकेट करता है प्लांट क्या है, प्लांट इज रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट अब जो है मैच्योर हो चुका है और वह रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में भाग लेने वाला है, और ये जो रिप्रोडक्शन का काम है वो फ्लावर के ऊपर ही होना है। फ्लावर ही क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है, जगह देता है, किस काम के लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये फ्लोरल प्रिमोर्डियम का मतलब क्या हुआ, फ्लावर का प्रिकर्सर, फ्लावर जिससे फ्यूचर में बनेगा। ये इनफ्लोरेसेंस हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, क्या होता है जब दी फ्लावर का अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं इनफ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, किस तरह का अरेंजमेंट है, बेसी पेटल है, क्रोपेटल है, बहुत सारा टर्म हम लोग उधर पढ़ चुके हैं। कह रहा है फ्लावर में मेल स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल को बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल को बोलते हैं गैनोशियम, डिफरेंशिएट एंड डेवलप। हम लोग जो है एंड्रोशियम के लिए अभी वर्ड यूज किए थे, क्या है ये, ग्रुप है, होल बोलते हैं, चारों साइड से बहुत सारा स्टामिन, अगर कलेक्टिवली यदि उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करना होगा तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है, ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके यूनिट को बोलते हैं हम लोग स्टामिन। देख रहे हैं एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टामिन, होल ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ, और क्या है गैनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जो है फ्लावर में बेसिकली कितना पार्ट देखें, तो चार पार्ट देखें। पहला क्या है सेपल, दूसरा क्या है पेटल, तीसरा क्या है स्टामिन, चौथा क्या है कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। बहुत सारा सेपल फ्लावर के चारों साइड से रहेगा, होल्ड में चारों साइड से घुमा हुआ। अब इसके लिए जो सेपल का होल्ड है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कैलिक्स। उसके ऊपर जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर में, दैट इज फॉर कोरोला, उसके यूनिट के लिए वर्ड यूज किए हम लोग पेटल।
और पेटल के वजह से ही फ्लावर क्या होता है, कलरफुल होता है, फ्लावर में फ्रेग्रेंस आता है, सेंट बनता है, उसमें नेक्टर होता है, उसमें सब पेटल में। और तो ये दो जो पार्ट है, सेपल पेटल या कैलिक्स कोरोला, ये एसेसरी पार्ट है फ्लावर का। और जो दो पार्ट है, दैट इज एंड्रोसियम और गायनोसियम, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और ये मेन पार्ट है जो सेक्सुअल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग को डिटेल पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डिटेल पढ़ना है हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस क्लास में मैं कोशिश करता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग इसमें से सीखेंगे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, चलिए क्या है स्टामेन, क्या है ये स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, मेल रिप्रो डक्टिव पार्ट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एंड्रोसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और इसके यूनिट के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कलेक्टिवली जितना ही मेल पार्ट है सबको कलेक्टिवली एंड्रोसियम, एंड्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। एंड्रोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रो वर्ड वहीं से आया है। और गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो गायनेकोलॉजी गायनोसियम और एंड्रोलॉजी एंड्रोसियम, एंड्रो फॉर मेल, ठीक है जी, और गायनोसियम फॉर फीमेल। तो इसका यूनिट क्या बोले, एस्टामेन, ये ध्यान रखना आपको, एस्टामेन। आप जब भी लेक्चर सुनेंगे एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखेंगे, और मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में भी, आप इसको लेक्चर अपलोड होने के बाद आप इसको देख सकते हैं, या तो प्रिंट निकाल लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा, और उसको फिर पढ़िए। देखिए इधर ये मेल वाला पार्ट क्या है, ये मेल पार्ट, देखिए ये मेल पार्ट, क्या है ये मेल पार्ट है, ये एंथर दिख रहा है, ठीक है। ये जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके बारे में बोल रहे हैं, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग फिलामेंट, क्या बोलते हैं इसको, अभी देखे थे उधर स्ट्रक्चर हम लोग, फिलामेंट बोलते हैं, क्या है ये है अपना फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और ये वाला पोर्शन को क्या बोले थे, प्रोक्सिमल एंड बोले थे, अभी देखे थे हम लोग उधर, प्रोक्सिमल एंड बोले थे इसको, क्या बोले थे, प्रोक्सिमल एंड बोले थे। और ये जो दिख रहा है आपको,
इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। ये देखिए, ये वाला चीज़ इमेजिन कीजिए, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एंथर है, और ये एंथर का क्या है, फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, एंथर, ये जो चारों दोनों देख रहे हैं हमारा, दैट इज एंथर। एंथर को ध्यान से देखेंगे तो ये आधा और ये आधा, आधा लोब या एक लोब ये दूसरा लोब, तो बायलोब्ड बोलते हैं। एंथर क्या होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बायलोब्ड दिख रहा है। ईच लोब के अंदर क्या होता है, अगर यदि एंथर को हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हैं, एंथर को इस तरह से काटते हैं, कैसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं और काट करके देखते हैं तो आपको जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, ये एक लोब, ये दूसरा लोब, तो बायलोब्ड। और ईच लोब में क्या है, ये एक थीका, ये दूसरा थीका, तो डायथिकस बोलते हैं, ईच लोब डायथिकस है। तो एंथर पूछेगा तो टेट्राथिकस, और ईच लोब आप एंथर पूछेगा तो डायथिकस, ध्यान रखिएगा। अभी आगे फिर डायग्राम बनाएंगे, हम लोग इधर देख लेते हैं क्या है। ए टिपिकल स्टामेन लॉन्ग क्या कंटेन करता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाल कॉल्ड फिलामेंट, यही फिलामेंट। और इसके टर्मिनल पोजीशन पर क्या है, और ये टर्मिनल पोजीशन को बोले थे हम लोग डिस्टल एंड बोले थे, क्या बोले थे इसको, डिस्टल एंड बोले थे, डिस्टल एंड बोले थे इसको, ठीक है, डिस्टल एंड। तो फिलामेंट के डिस्टल एंड से जुड़ा रहता है एंथर, और फिलामेंट के प्रोक्सिमल एंड से जुड़ा रहता है, बोलिए, पेटल या फिर थैलेमस, ध्यान रखेंगे आगे। देखिए यहाँ, ये नीट का क्वेश्चन था, प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ फ्लावर, ये नीट का क्वेश्चन था आपका, नीट 18 में पूछा गया था, ये नीट 18 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल, प्लांट में स्टामेन का नंबर फिक्स नहीं है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, किसी में एक भी हो सकता है, नॉर्मली एक तो होता नहीं है, 4, 5, 10, 15 वो गुच्छा में हो सकता है, डायडेल्फस मोनोडेल्फस कंडीशन पढ़ेंगे आगे हम लोग, वैसे पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में 11th क्लास में। कह रहा है कि एक कॉमन एंजियोस्पर्म में एंथर क्या होता है, बायलोब्ड होता है, अभी देखे थे ये दो लोब, आधा आधा, दो टू लोब्ड, बायलोब्ड कंडीशन, और ईच लोब हैविंग टू थीका, दो थीका होता है, और क्या होता है, ईच लोब उसका डायथिकस होता है। अगर यदि आप एंथर को लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे, ट्रांसवर्सली भी काटेंगे और यदि लॉन्गिट्यूडनली काटेंगे तो ग्रूव नज़र आएगा, ये लेंथ वाइज काटते हैं तो ये ठीक ग्रूव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रूव बोलते हैं, ये क्या है, ग्रूव बोलते हैं इसको, ये क्या है, ग्रूव बोलते हैं, ठीक है, लेंथ वाइज लंबाई में काटे, और ऐसे काटेंगे तो दैट इज ट्रांसवर्स, और ऐसे काटेंगे वर्टिकली तो ग्रूव बनता है। करा बायलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, देख रहे हैं फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, 1, 2, 3, 4 फोर साइडेड स्ट्रक्चर है, मैं अलग से भी डायग्राम बनाता हूँ आगे, फोर साइडेड, तो दैट इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, और फोर माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर रहता है, क्या रहता है इसके अंदर, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो मतलब मेल वाला पोर्शन है, मेगा मतलब फीमेल पोर्शन होता है, माइक्रो बहुत छोटा छोटा, एस्पोरेंजिया एस्पोरेंजियम वर्ड जो है आगे हम लोग और भी क्लियर करेंगे, एस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, नॉर्मली गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं।
देखिए यहाँ लिखा द माइक्रो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है, स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है, डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, पोलन सैक, पोलन सैक, सैक मतलब थैली नुमा। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? स्पेस है जिसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन पाया जाता है, तो पोलन सैक बोलते हैं। सैक मतलब थैला नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है यहाँ पर? पोलन रखा हुआ है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। यही है माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ और सिंपली सा देखिए, इधर अगर यदि एंथर को हम लोग ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमको आता है नज़र। क्या नज़र आता है? इसे ये छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, देखिए ये, ये यहाँ आपको लॉन्गिट्यूडिनली दिखाया और हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम। बहुत सारा माइक्रोस्पोरेंजियम अगर कलेक्टिवली मिलता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। और बाद में इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग होमोजीनस टाइप का सेल है, हम लोग बोलते हैं इसको, जो कि पोलन ग्रेन बनाने का काम करेगा, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। और यही बनेगा क्या? पोलन सैक। क्या बोलते हैं इसको? पोलन सैक बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। यही इसी में पोलन बनेगा, तो पोलन सैक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये देखिए एंथर में जो है, ये एंथर का एक लोब है जिसमें दो थीका है, तो डायथीका। ये दूसरा लोब है, इसमें दो थीका है, तो दैट इज टोटल पूछेगा तो टेट्राथीका। इच लोब पूछेगा तो डायथीका। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में क्या होगा, पोलन सैक में डेवलप करेगा। कह रहा है टिपिकल स्टामेन विथ पोलन ग्रेन, यहाँ पर पोलन ग्रेन दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्रॉस सेक्शन काट करके देखते हैं, चाहे ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये थीका हो, या ये पोलन सैक हो, चाहे ये हो, किसी एक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि वहाँ कितना लेयर का होता है, कौन कौन सा लेयर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला पोर्शन का। आगे देखिए डायग्राम से पता चलेगा हमें, इसमें जो है टोटल फोर वाल है। क्या है यहाँ पर? यहाँ दो ही दिख रहा है आपको, आगे बनाएंगे तो पता चलेगा आपको टोटल क्या है, फोर वाल है। सबसे बाहर वाले को ईपीडर्मिस, जैसे अपना स्किन के ऊपर होता है ना ये स्किन ईपीडर्मिस, तो ऐसे ही ईपीडर्मिस, उसके नीचे होता है इंडोथीसियम, उसके नीचे होता है मिडिल लेयर, और उसके नीचे होता है टपेटम। ये चार लेयर है, चारों का फंक्शन क्या है हम लोग सीखेंगे। और ये जो पोलन ग्रेन बनने का काम होता है वो कहाँ होता है वो भी हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ देखिए इधर कह रहा है एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन में है, एंड जनरली सराउंडेड बाय फोर वाल लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और ये टपेटम। टपेटम क्या काम होता है? तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को अंदर में। करा जो आउटर थ्री लेयर होता है उसका मेन काम क्या होता है, डेहिसेंस में भाग लेता है। वो तीन लेयर था ना आउटर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों मिल करके क्या करता है, ये तीनों मिल करके मैच्योर
एंथरकोडेहिसेंस मतलब फटने में वहाँ से लिबरेट करेगा पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन के लिबरेशन में हेल्प करता है और ये प्रोटेक्शन देता है। देखिए क्या लिखा है, आउटर थ्री वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस वर्ड याद रखेंगे, एंथर टू रिलीज द पोलन, और इनर मोस्ट लेयर दैट इज टपेटम। ये टपेटम का मेन काम क्या है, ये नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को टपेटम। टपेटम क्या करता है, नरिशमेंट करता है ये, ठीक है, क्या करता है ये नरिश करता है। नरिशमेंट करता है, नरिशमेंट किसका, पोलन ग्रेन का, डेवलपिंग पोलन ग्रेन का नरिशमेंट करता है। फूड चाहिए जी। और कह रहा है क्या, जो सेल ऑफ द टपेटम, अभी डायग्राम बना रहे हैं, सेल ऑफ द टपेटम जो होता है वो बाय न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, क्यों होता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इसको आप ध्यान रखेंगे। और डेंस साइटोप्लाज्म होता है टपेटम के सेल में। करा जब एंथर यंग होता है, एंथर क्या है, यंग है, तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है थीका के अंदर, उसमें स्पेशल टाइप का होमोजीनस नेचर का सेल्स होता है। क्या होता है, होमोजीनस नेचर का सेल होता है, और वो क्या बनाता है, एस्पोरोजिनस टिशू बनाता है। क्या है, एस्पोरोजिनस टिशू, और उसमें होगा क्या, मियोसिस होगा, और बाद में बनेगा एक सेल से चार सेल, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। और ये पूछा है क्वेश्चन, प्लॉयडी टेट्राड का क्या होगा, तो हैप्लॉयड होगा। हम लोग उधर सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं कि एक मेल जो सेक्स सेल होता है उसमें यदि मियोसिस हुआ तो टोटल बनता है चार, और जो स्पर्म सेल होता है दैट इज डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस का दो इवेंट, मियोसिस वन मियोसिस टू पूरा कंप्लीट होगा तो टोटल चार बनेगा, और चारों का चार जो सेल होता है वो अनआइडेंटिकल होता है, अनआइडेंटिकल, और क्या है वो हैप्लॉयड नेचर का है। तो पूछेगा आपसे पोलन टेट्राड का प्लॉयडी क्या है, तो बोलते हैं हम लोग हैप्लॉयड, क्या है ये एन होता है, ये एन प्लॉयडी क्या है, एन। ये ध्यान रखेंगे, व्हेन एन एंथर यंग अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस, अभी मैं चर्चा किया था होमोजीनस सेल्स, क्या बोलते हैं इसको, एस्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ और पता चलेगा आपको। देखिए इधर, ये देखिए आ गया अपना डायग्राम, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। ये देखिए, ये था अपना ये अपना था फोर लोब था, एंथर का फोर लोब, ये एक थीका, ये दूसरा थीका, इधर भी एक थीका, एक दूसरा थीका, तो टोटल क्या था, टेट्रा थीका। ईच लोब में क्या था, डायथीकस कंडीशन था। ये जो है एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन किए हैं, ये एंथर इसको ऐसे कट किए और ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का आउटलाइन दिख रहा है अपना। तो देखिए ये चार लेयर है, क्या है ये चार लेयर, सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये जो बाहर वाला लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है, उसके अंदर जो लेयर है दैट इज इंडोथीसियम बोलते हैं, याद रखेंगे एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके जस्ट अंदर दैट इज इंडोथीसियम, और इंडोथीसियम के नीचे जो लेयर होता है दैट इज मिडिल लेयर, ये तीसरा है, ये फ्रॉम आउटसाइड ये क्या है, तीसरा है, ये क्या है, ये दूसरा लेयर है फ्रॉम आउटसाइड,
और ये क्या है, ये पहला लेयर, और ये क्या है चौथा लेयर। सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। और इसके नीचे जो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा होमोजीनस नेचर का क्या है सेल्स है, और वो आपस में ग्रुप बना के क्या बनाया, कौन सा टिशू, तो ये स्पोरोजीनस टिशू बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी वही चीज़ है, बहुत सारा सेल्स है, होमोजीनस, सिमिलर शेप साइज आइडेंटिकल होता है इसका, ठीक है। और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एस्पोरोजीनस टिशू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एस्पोरोजीनस टिशू बोलते हैं, ठीक है, एस्पोरोजीनस टिशू बोलते हैं। और ये कनेक्टिव है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ पूछता नहीं है। देखिए इसी को थोड़ा सा इनलार्ज किया गया, ये बाहर वाला लेयर क्या है, ये एपिडर्मिस आउटर लेयर, आउटर क्या है, आउटर लेयर है ये क्या है, ये उसके नीचे है, ये एपिडर्मिस पहला आउटर लेयर, ये दूसरा वाला, और ये मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कोई एक लेयर नहीं है, उसमें एक से अधिक लेयर होता है, दो तीन भी हो सकता है मिडिल लेयर, ठीक है। ये तीसरा लेयर है मिडिल लेयर, और सबसे जो अंदर में है लेयर ये वाला टपेटम, ये चौथा लेयर है। और टपेटम देखिए इधर, ये टपेटम वाला जो लेयर है, ये टपेटम का लेयर है, ये क्या है अपना टपेटम का लेयर है ये है ना। देखिए इसका सेल का कंडीशन क्या है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है इसमें, बायोन्यूक्लियर कंडीशन भी मिलता है इसमें, ठीक है, टपेटम। और ये टपेटम ये चारों साइड से होगा, उसके नीचे देख रहे हैं ना, ये सेल देखिए ये सब क्या है, होमोजीनस नेचर का सेल है, ठीक है, होमोजीनस नेचर का सेल है। और इसी सेल के आपस में ग्रुप बनाकर बनाता है स्पोरोजीनस टिशू, और ये स्पोरोजीनस टिशू के सबसे मिडिल पोर्शन में जो सेल है, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, MMC ये वाला क्या है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए ये अपना डायग्राम था बना हुआ, इसलिए हम नहीं बनाए थे, ये देखिए कैसे जो है ये पोलन सैक से मैच्योर पोलन ग्रेन आफ्टर डहिसेंस ये रिलीज हुआ है। डहिसेंस में जो तीन लेयर मेनली इन्वॉल्व था उसका नाम क्या है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों मिलकर क्या किया, प्रोटेक्शन भी दिया, और साथ साथ क्या हुआ, डहिसेंस जब मैच्योर हो गया तो फट करके वहाँ से रिलीज करने में मदद करता है। टपेटम का फंक्शन पूछता है तो नरिशमेंट करता है, किसको नरिशमेंट करता है, तो ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जो बहुत जरूरी है। और टपेटम सेल का जो एक फीचर्स है क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ भी होता है और बाय न्यूक्लियेट कंडीशन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। लिखा है स्पोरोजिनस टिश्यू का ईच सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू कौन बनाया था, तो होमोजिनस नेचर का था, सिमिलर शेप साइज को बोलते हैं होमोजिनस, तो होमोजिनस नेचर का कहाँ पर, ये जो टपेटम का वाल है उसके नीचे, उसके अंदर ईच माइक्रोस्पोरोंजियम जो चार लेयर से घिरा हुआ है, तो जो आउटर था एपिडर्मिस, इसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद क्या टपेटम, टपेटम के अंदर क्या बोले थे, होमोजीनस नेचर का बहुत सारा सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाया, स्पोरोजीनस टिश्यू बनाया, ठीक है। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ये था ना अभी अपना, ये देखिए ये हम पूरा नहीं बना रहे हैं, बस एक लेयर बना रहे हैं आपका, ये लेयर जो सबसे और अंदर का है, ये हो गया अपना टपेटम। टपेटम के अंदर, टपेटम से घिरा हुआ जो पोर्शन है वो देखिए क्या है, टपेटम से घिरा हुआ ये जो पोर्शन है दिख रहा है, ये जो बहुत सारा सेल्स है आपस में, होमोजिनस नेचर का सेल है, इसके अंदर क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, ये सब क्या फॉर्म किया था, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया था, क्या बनाया है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, क्या बनाया, ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, ये क्या है, टपेटम बोलते हैं, टपेटम। और ये क्या है, ये सब न्यूक्लियस बना दीजिए, साइटोप्लाज्म बना दीजिए, आप समझिए बात को क्या चीज़ कहा जा रहा है, ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ईच सेल, चाहे ये सेल हो, ये सेल हो, ये सेल हो, कोई भी सेल है, तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। सभी सेल में एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तो लाखों हजारों पोलन ग्रेन बनता है, तो ईच सेल में पोटेंशियल पावर है, ईच सेल जो है कैपेबल है, चाहे ये हो ये हो, इसके अंदर हजारों सेल्स पड़ा हुआ है, ईच सेल में पावर है कि ये मियोसिस में भाग लेगा और क्या बनाएगा, एक सेल से चार सेल बनाएगा, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और ईच सेल सब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, पोटेंशियल पोलन है, फ्यूचर में वो पोलन बना सकता है, वही लिखा है यहाँ पर, ईच वन इज द पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी में से इसी में से कोई भी सेल है ये क्या है, ये बन सकता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में कोई भी सेल ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इनफैक्ट जो है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, इससे क्या होता है, बहुत सारा पोलन ग्रेन बनता रहता है। कह रहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये डिफिनेशन पूछता है आपको, ट्वेल्थ के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेडिकल में पूछा जा सकता है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो ये जो टपेटम से घिरा हुआ होमोजिनस नेचर का जो सेल्स है, जो क्या फॉर्म किया, याद कीजिए स्पोरोजिनस टिश्यू, तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, पोटेंशियल पोलन है, फ्यूचर में वो पोलन बना सकता है। तो वो जो सेल्स है स्पोरोजिनस टिश्यू का जो सेल है वो क्या है, मियोसिस में भाग लेता है, और मियोसिस करने के बाद वो क्या होगा, माइक्रोस्पोर बना सकता है। द प्रोसेस, तो देखिए इधर ध्यान से क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पीएमसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पीएमसी, क्योंकि पोलन बनेगा तो नाम पीएमसी भी हो गया, पोलन बोलिए या माइक्रोस्पोर बोलिए, बात एक ही है। अगर माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ फोर सेल, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। देखिए इधर थोड़ा सा मैं और इसको आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखिए वैसे अपना डायग्राम है बना हुआ, आपको आएगी समझ में। देखिए इधर ये है अपना पोलन मदर सेल, ठीक है, ये पोलन मदर सेल है, क्या है, ये पोलन मदर सेल है,
ये डिप्लॉयड नेचर का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं PMC, या इसी को बोलते हैं MMC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MMC। इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस, तब ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। मियोसिस का मतलब हुआ मियोसिस वन और टू दोनों। तो क्या होगा? एक सेल से चार सेल बनेगा ना। रिजल्ट दिखा रहे हैं हम लोग, उधर पढ़ चुके हैं, एक से चार बनेगा, ठीक है। ये एक बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना। दैट इज पोलन टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन टेट्राड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेल है पोलन टेट्राड का, ईच सेल क्या है? हैप्लोइड नेचर का होता है। क्या होता है? हैप्लोइड। ये क्या है? ये क्या है? हैप्लोइड नेचर का, ध्यान रखिएगा, एन है। यहाँ देखिए आपके NCERT से डायग्राम लिया गया है। ये ब्यूटीफुल पोलन ग्रेन है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ फ्यू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को आप, एक तो बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी बहुत सारा टाइप है, तो उसमें से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप याद रखेंगे। ये पोलन ग्रेन अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग टेक्सचर के साथ आपको नज़र आ रहा है। ये भी है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर क्या है? यही बना है। ये क्या है? पोलन टेट्राड। ये क्या है? ये हैप्लोइड नेचर का है, ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा पोलन ग्रेन का शेप साइज आपके NCERT में, आपके सिलेबस में मेंशन है, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच होता है, ठीक है, ये डाटा ध्यान रखेंगे। डायमीटर है, नॉर्मली क्या है? ये स्फेरिकल शेप का होता है, सर्कुलर आउटलाइन, ये स्फेरिकल शेप बोलेंगे। 25 टू 50 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये ध्यान रखिएगा। लिखा है पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन। थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। पोलन ग्रेन को देखेंगे तो ये टू लेयर से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है। अभी मैं एक डायग्राम सिंपल सा बनाऊंगा। टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो क्या है? एक्जाइन बोलते हैं। उसके अंदर क्या है? इंटाइन बोलते हैं। और एक्जाइन जो होता है आउटरमोस्ट कवरिंग, वो काफ़ी हार्ड होता है, बना रहता है किसका? स्पोरोपोलिनिन का। अभी डायग्राम बनाता हूँ, देखिए आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पोलन ग्रेन का। देखिए इधर ये पोलन ग्रेन है अपना, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं पोलन ग्रेन। इसके अंदर जो है सेल्स है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर टू सेल कंडीशन हो सकता है या थ्री सेल कंडीशन हो सकता है, ठीक है। ये उसके ऊपर एक लेयर और है, दैट इज इंटाइन बोलते हैं। और जो एक लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, वो देखिए क्या है आउटर मोस्ट लेयर, ये इस टाइप का, ऐसा लेयर। और इसमें एक जगह क्या रहता है? पोर रहता है। क्या है? ये पोर, जगह जगह पोर रह सकता है, पोर रह सकता है, ये जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर बोलते हैं। पोर मतलब छिद्र। ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है, दैट इज एग्जाइन। क्या बोलते हैं? एग्जाइन बोलते हैं। और उसके अंदर का जो लेयर है, ये
ये जो लेयर है, ये अपना जो लेयर दिख रहा है, ये है इंटाइन। क्या है ये? इंटाइन बोलते हैं, इंटाइन। ये जो एग्जाइन है ये बना रहता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ पोलन ग्रेन है, दैट इज एग्जाइन, बना रहता है एस्पोरोपोलिनिन, पोलिनिन, ये याद रखिएगा, एस्पोरोपोलिनिन। और ये इंटाइन बना रहता है, ये दो चीज़ का बना हुआ है, ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना हुआ है, दो चीज़ है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सब आपके सिलेबस में है लिखा हुआ, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, याद रखिएगा। और ये स्पोरोपोलिनिन के वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करता है बिना डिस्टर्ब हुए, इवेन जो है हजारों साल, लाखों साल ऐसा भी कह सकते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि 10,000 साल पुराना पोलन ग्रेन मिला है खुदाई में। तो ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है प्लांट के केस में, जैसे क्या तो ह्यूमन बींग केस में हार्डेस्ट पार्ट होता है एनामेल ऑफ टीथ, इसी तरह से प्लांट में पोलन ग्रेन हार्डेस्ट पार्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है प्लांट के अंदर, मोस्ट रेसिस्टेंट। ये ना तो हाई टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय होता है, ना कोई ऐसा एसिड नॉन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली, कोई भी ऐसा नॉन एंजाइम नहीं है जो इसको डिस्ग्रेड कर सके, और यही वजह होता है कि पोलन ग्रेन सर्वाइव करता है हजारों साल, खुदाई में मिलता है बहुत, हजारों, 10,000 साल पुराना पोलन ग्रेन मिला है। तो ये पूछता है, एग्जाइन बना हुआ है एस्पोरोपोलिनिन का, ठीक है, और क्या है, बायोलॉजिकल रेसिस्टेंट मटेरियल है एसिड के प्रति, एल्कली के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, ये क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, कोई भी नॉन एंजाइम नहीं है जो इसको स्पॉयल कर सके। हाँ, जगह जगह पर इसमें क्या होता है, एक ओपनिंग होता है, दैट इज जर्म पोर बोलते हैं, ओपनिंग होना ज़रूरी है जी, अगर ओपनिंग नहीं होगा और उतना हार्ड रहेगा तो फिर उसके अंदर से जो कंटेंट है वो कैसे बाहर आएगा, क्योंकि मेल गैमेट तो यहाँ पर है ना, जेनरेटिव सेल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल है, जो जेनरेटिव सेल है मेन, ये कैसे निकलेगा, तो ये जर्म पोर के थ्रू ही बाहर आता है, ये जर्म पोर के थ्रू बाहर आता है, आगे पढ़ेंगे, जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ये बाहर आएगा, ठीक है जी। चलिए, आज मैं इस क्लास को, लेक्चर वन को यहाँ पर बाइंड अप करता हूँ, चूँकि लंबा वीडियो होने से जो है थोड़ी परेशानी होती है अपलोड होने में, मैं नेक्स्ट क्लास में पोलन ग्रेन के अंदर वेजिटेटिव सेल कैसे फॉर्म होता है, 2 सेल स्टेज क्या है, 3 सेल स्टेज क्या है, ये बताऊंगा, आगे पोलन ग्रेन का फंक्शन बताऊंगा, पोलन ग्रेन का क्या क्या काम करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अभी एक लेक्चर और चलाएंगे, इसके बाद फिर आगे देखेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।